नमस्कार, आप सबके अपने चैनल इर्द गिर्द पर मैं अपर्णा एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सभी का दिली इस्तकबाल करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी चैनल को रोज देखते होंगे, इस पर आपकी गतिविधियां जारी होंगी। और अगर ऐसा नहीं है और आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और चैनल पे अपलोड हो रही सामग्री आपको मिलती रहे, आप उसका लुत्फ उठाते रहे। तो गजल और आपके बीच ज्यादा दूरी ना बनाते हुए मैं मतला पेश करती हूँ। मतला कुछ यूं है कि नजर ही छीन ले वो ताब कौन देखेगा। ताब हम दीप्ति को कहते हैं, प्रकाश जिसे कहा जाता है, चमक। कि नजर ही छीन ले वो ताब कौन देखेगा, बड़े ही महंगे हैं ये ख्वाब कौन देखेगा। नजर ही छीन ले वो ताब कौन देखेगा, बड़े ही महंगे हैं ये ख्वाब कौन देखेगा। और अगला शेर सुने के हमारे दिल से ऐसी बेरुखी जो रखोगे, हमारे दिल से ऐसी बेरुखी जो रखोगे, तुम ही कहो दिले बेताब कौन देखेगा। हमारे दिल से ऐसी बेरुखी जो रखोगे, तुम ही कहो दिले बेताब कौन देखेगा। और अगला शेर अच्छा है, श्रृंगार का शेर है कि शऊर हुस्न नहीं है जिसे वही देखे। शऊर मतलब एक जो सलीका होता है या किसी चीज का सम्मान करने का ढंग जो होता है उसे कहा जाता है। कि शऊर हुस्न नहीं है जिसे वही देखे, तुम्हारे होते ये महताब कौन देखेगा। महताब चंद्रमा का नाम है। कि शऊर हुस्न नहीं है जिसे वही देखे, तुम्हारे होते ये महताब कौन देखेगा। और कुछ इसी मिजाज का शेर अगला है कि हम ही न होंगे अगर साथ में तो फिर सोचो, हम ही न होंगे अगर साथ में तो फिर सोचो, तुम्हारे गालों के गिरदाब कौन देखेगा। हम ही न होंगे अगर साथ में तो फिर सोचो, तुम्हारे गालों के गिरदाब कौन देखेगा। गिरदाब यानी भंवर, जिसे मैंने यहाँ डिंपल के सेंस में यूज किया है। और अगला शेर कुछ अलग तरह का, कि ये मैं कदे के हैं आदाब गौर फरमाओ, ये मैं कदे के हैं आदाब गौर फरमाओ, शराब मिलती हो तो आप कौन देखेगा। आप पानी को कहा जाता है। ये मैं कदे के हैं आदाब गौर फरमाओ, शराब मिलती हो तो आप कौन देखेगा। और अगला शेर अच्छा शेर है, हम सबकी मानसिकता हमारी फिलोसफी का शेर है ये, कि सभी को आरजू है मुस्कुराते चेहरों की, सभी को आरजू है मुस्कुराते चेहरों की, सभी को आरजू है मुस्कुराते चेहरों की, तो आंसुओं का ये सैलाब कौन देखेगा। सैलाब समुद्र में आने वाले तूफान को कहा जाता है। कि सभी को आरजू है मुस्कुराते चेहरों की, सभी को आरजू है मुस्कुराते चेहरों की, तो आंसुओं का ये सैलाब कौन देखेगा। और बतौर मक्ता गजल का आखिरी शेर पेश करती हूँ कि अरूज और इल्म की महफिल में तुम जो आए हो। अरूज और इल्म यानी अरूज यानी छंद शास्त्र और इल्म यानी ज्ञान, यानी आप छंद शास्त्र की जहां बात हो रही है और ज्ञान की जहां बात हो रही है, अगर आप उस सभा में आए हैं। शेर का मतलब कुछ यूं है इस मिसरे का, कि अरूज और इल्म की महफिल में तुम जो आए हो, तुम्हारे फालतू रुआब कौन देखेगा। अरूज और इल्म की महफिल में तुम जो आए हो, तुम्हारे फालतू रुआब कौन देखेगा। नजर ही छीन ले वो ताब कौन देखेगा, नजर ही छीन ले वो ताब कौन देखेगा, बड़े ही महंगे हैं ये ख्वाब कौन देखेगा, बड़े ही महंगे हैं ये ख्वाब कौन देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सी नवाजिश। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, मेरी गजलों की आप सराहना करते हैं। मैं चाहूंगी कि इस बार भी आप अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट्स के माध्यम से जरूर दर्शाएं और ये गजल आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारा धन्यवाद, नमस्कार।